राज्य मंत्री ने 115 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। नवीन एसडीएम कार्यालय का किया लोकार्पण। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के द्वारा लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। इसी तारतम्य में सोमवार को राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने 115 लाख रुपए लागत राशि से नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय की सौगात दी है। ये कार्यक्रम पोहरी शिवपुरी मार्ग पर ग्राम सोनीपुरा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, बैराण मंडल अध्यक्ष विक्की मंगल, वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन आदि कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां राज्य मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण किया, जिसकी लागत 115 लाख रुपए रखी। साथ ही राज्य मंत्री राठखेड़ा ने मंच से कहा कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र के लोग जो भी मुझसे मांगेंगे वो मैं दूंगा। इस दौरान राज्य मंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों में कमी न आने की बात कही। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एक कमरा एसडीएम को मिल जाता था, एक कमरा हमारे तहसीलदार साहब को मिल जाता था और दोनों अधिकारियों का स्टाफ जब तक होता था तो उस बिल्डिंग में भारी भीड़ हो जाती थी। फिर हमारे क्षेत्र की जनता आती थी तो बड़ा संकट था। ये 28 वाला एसडीएम महोदय पोहरी में आया, मैं तो इसलिए इनका सम्मान किया। आकाश में तो पहला आते तो हमारा ऑफिस आज तक पहले बन जाता, आते आते दो देर हो गई, लेकिन जब भी आए वो आते आपने इतना सुंदर ऑफिस बना के हमको दिया और मैं इस विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पीआई विभाग के अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस बिल्डिंग के ठेकेदार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 11 महीने पहले इसका मैंने भूमि पूजन किया था और 11 महीने में बिल्डिंग बना के इन्होंने आज हमारे हाथों में तो हमारे अधिकारियों को इससे ले जाते हैं। सुंदरता बढ़ी है हमारी पोहरी की, सुंदरता बढ़ेगी, एक बिल्डिंग बढ़ेगी और बिल्डिंग कोई छोटी मोटी बिल्डिंग ही बना के नहीं थी, 1 करोड़ 15 लाख की बिल्डिंग बना के आपको आज पब्लिक के हाथों को सौंप के इसको हम जा रहे हैं। ये ऑफिस आज से आपका ऑफिस है, अधिकारी आपके हैं और कर्मचारी भी आपके। मैं एटीएम साहब के ध्यान में पूछना चाहता हूँ, कई किसान आए बैठे हैं, ईमानदार से बता दो, कई सरकारें आए, कई मुख्यमंत्री आए, कभी भी किसी सरकार ने यदि 1 रुपया नगद किसी को दिया हो तो मन छोड़ के चला जाता, कोई भी सरकार नहीं हो, अरे नगद किसी ने दिया तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो किसान का मान और सम्मान रखा और किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये दिया तो मोदी जी ने दिया। जब मोदी ने दिया तो सीएम साहब ने कहा, जब मोदी जी 6 दशक दिया तो शिवराज चौथी बार का मुख्यमंत्री है, अरे 4 में 6,000 मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो 6,000 मुख्यमंत्री जी के, 6,000 मोदी जी के, 1 किसान को 12,000। जब 12,000 मिले तो बहनों ने सोचा हमको क्या दिया भाई ने, तो मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना चलाई, हर बहन के खाते में 1,000 रुपये 4 महीने से मुख्यमंत्री डाले, इसमें 1,250 रुपये डाले और अक्टूबर से 1,250 रुपये हर बहन के खाते में डाले। साथियों दिवाली आने वाली है, दिवाली पर सब बहनों को 1,500 रुपये देंगे और मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम यदि गैस के कनेक्शन हो, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, आप बहनों के नाम करा दो, बहनों के लिए 750 रुपये। आपने देखा बारिश होती थी, चौराहे की क्या स्थिति होती थी, जब पानी गिरता था तो घरों मकानों पानी आ जाता, सबसे पहले हमने नालियों का काम कराया, फिर जब बहुत मेरी मदद की तो हमने पेपर वालों का काम कराया। हमारी माता बहना जब घूमने जाती थी तो टोर्च लेके आती थी, लाइट का तो नाम ही नहीं था, तो आज पोहरी में देखो धूप या रोशनी से जगमगाती हुई आज हमारी पोहरी है। विकास की लान हमने चालू कर दी है और 2-3 साल में आपसे वादा करता हूँ तब पोहरी का हमने अच्छा बदल देंगे, इतना विकास पोहरी में अवसर करके करेंगे। साथियों विकास